World Pollution Fire Games is the largest multi-sport international event after Olympics and Commonwealth Games. 86 countries, 7,500 sportspersons from 86 countries participated. And the competition was held in 56 different events. Of course, we only participated in 6 events, which I mentioned. Archery, boxing, athletics, swimming, judo and wrestling. These boys and girls who are standing behind you and many others have put in a splendid performance at the World Police and Fire Games held in Belfast from August 1 to 10, 2013. And we had sent a 39 member team of Indian police, which had the best police sportsmen in 6 disciplines: athletics, wrestling, boxing, archery, swimming. And in these 6 games, we had put 39 sportspersons. Out of them, 15 were women sportspersons and 24 male sportspersons. These 39 sportspersons have brought back a total of 83 medals, which includes 48 gold medals. This time, this young team has achieved the highest number of medals ever, winning 83 medals. Before this, the highest figure was 81 medals, which we had won in 2005 in Quebec, Canada Games. After the swimming team, just a 4-member swimming team had gone, out of which 2 members was able to win a total of 15 medals. They won 9 gold medals and 4 silver medals and 2 bronze medals. The Police Sports Control Board will spare no effort in giving them best of the training, so that they can qualify for the Indian team and then also win medals for the country. सर वहाँ टूर्नामेंट हुए हैं, अच्छे हुए हैं और बहुत टूर्नामेंट थे, और वहाँ से आने के बाद हमको बहुत अपने देश में खुशी हुई है कि हम वहाँ से सिल्वर मेडल लेके आए हैं, और हमारे देश में बॉक्सिंग का बहुत ही क्रेज हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है अपना बॉक्सिंग की करियर की चुनाव कर रहे हैं। विजेंदर बहुत ही अच्छे बॉक्सर हैं और उन्होंने फर्स्ट में ओलंपिक में मेडल दिला करके अपने देश के बच्चों को बहुत ही क्रेडिट प्रदान किए हैं और सेकेंड मेडल में मैरीकॉम एमसी मैरीकॉम ने ब्रॉन्ज मेडल दिला करके उन्होंने भी लड़कियों और लड़कों में सबके अंदर क्रेडिट किया है। 4 गोल्ड जीतने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। 1 गोल्ड भी मतलब बहुत होता है, पर 1 गोल्ड भी बहुत होता है, पर 4 गोल्ड जीते बहुत अच्छा लगा। सारी मेहनत का फल था हमारी कोचेस का। स्विमिंग अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, पहले बहुत स्विमर्स इतने अच्छे नहीं थे, पर अब स्विमिंग बहुत अच्छी हो रही है। सुधार की आवश्यकता तो बहुत है, मतलब भारत के लिए अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हो जाएगी, धीरे धीरे हो रही है और धीरे धीरे हो जाएगी अभी अच्छी। जब से मैं 2008 के बाद बहुत कमीशनिंग मतलब खेला हुआ है, इसमें ऐसा सा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तो 2000 अभी मार्शल गेम्स हुआ था 2010 में, इसमें भी ब्रॉन्ज आया, तो इस बार एशियन चैंपियनशिप गई थी, इसमें भी ऐसा सब मतलब रिप्रेजेंट करके ऐसा सा मेडल लेके आया ब्रॉन्ज। फिर अभी फिलहाल इसके बाद अभी हम लोग ओलंपिक्स हो रहे हैं, इसमें उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में, इसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी फिलहाल मैं केएमयू हूँ, अभी पहले इसके बाद एटन के बाद केएमयू चले जाऊँगा। अच्छा, जूडो के विचार पहले से बहुत आके मतलब परफॉर्मेंस आ रहे हैं, पहले तो हम लोग बाहर जाती थी गेम में मतलब जीत नहीं पाती थी, तो अभी से मेडल आने लगी और आगे से अभी एशियन गेम्स और ओलंपिक के लिए और आने वाला कमीशन के लिए ऐसा सा हम लोग मेडल देख के दिखाऊंगे, तो सब ऊपर वाला के हाथ में है। जब तक तो हम परफॉर्मेंस अच्छा देगा तब तक तो हमारा इंडिया वाला और सीआरपी वाला ने साथ देगा। ऐसे तो बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर नोनाइले में जाके हम गोल्ड लेके आया है अपनी फोर्स के लिए, अपनी इंडिया के लिए, तो अगली बार और हमें चांस मिले या फिर और बेस्ट परफॉर्मेंस है क्या। हाँ, गोल्ड मेडल लिया, चलो बहुत बहुत अच्छा महसूस हुआ है। ओलंपिक की तैयारी करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आगे जाके। हाँ, मतलब 6 गोल्ड मिले तो खुशी तो बहुत हो रही है। पहली बार मतलब लास्ट टाइम जब मैं वर्ल्ड पुलिस गया था तब मेरे 3 गोल्ड मेडल थे, तो अब डबल हो गया। अभी देखिए, अभी अगले साल जो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है, तो अभी मेरी तैयारी उसी के लिए चल रही है। तो ये गेम्स से अब मुझे प्रोत्साहन मिला। ये आयरलैंड में जो कंपटीशन हुई थी वहाँ पे मैंने स्विमिंग में हिस्सा लिया था, और टोटल मैंने 6 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और 6 के 6 इवेंट्स में मेरा गोल्ड रहा। अभी नेक्स्ट में हम लोग का कंपटीशन मतलब जो कंपटीशन बाहर जाने के लिए मौका मिला उसे भी और मतलब आगे के लिए और मेहनत करने का वो मतलब करूँगा।